रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेस हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ और आज आपके सामने बहुत ही मजेदार मैं फेटुचिनो कलर्ड रेनबो यानी पास्ता बना रही हूँ। कलर्ड से मुराद है कि वो रेनबो कलर्स होंगे, सेवन कलर्स होंगे। रेनबो फेटुचिनो पास्ता बना रही हूँ और ये चिकन के साथ बना रही हूँ। थोड़ी सी वेजिटेबल भी डलेंगी, वो तो पास्ता में डलती ही है। और बेसिक जो है वो चिकन है और चिकन के साथ कलर्ड पास्ता होगा फेटुचिनो। फेटुचिनो पास्ता जो है वो उसमें मैं मुख्तलिफ कलर्स दूंगी और उसमें सारे मैंने कलर लिए हैं और ये फेटुचिनो पास्ता है और इनको मुख्तलिफ कलर्स में रंगना है। और ये मैं 7 बर्तनों में पानी बॉयल करने के लिए रखूंगी। येलो फूड कलर है, पर्पल फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर, रेड फूड कलर, ग्रीन एंड ब्लू, ये सारे फूड कलर हैं। और एक 7 कलर जो है वो व्हाइट कलर होगा, व्हाइट ही बनेगा सादा यानी बॉयल होगा। और इसके अलावा मैंने इसके लिए जो चीज़ें ली हैं उसमें कुछ चीज़ें कुछ इस तरह हैं। चिकन मैंने स्ट्रिप्स में इस तरह काट लिए, 1/2 kg चिकन है। ये देखिए स्ट्रिप्स में इस तरह बारीक स्ट्रिप्स बना लेनी है, इस तरह जैसे फेटुचिनो का शेप है इसी तरह मैंने काट लिया है। और कुछ मैंने गाजरें काटी हैं, वो भी ये 2 अदद गाजरें हैं बारीक कटी हुई। ये सब मिर्चें हैं लंबाई में कटी हुई। हरा प्याज है बारीक कटा हुआ, व्हाइट प्याज है बारीक शेड किया हुआ। ये प्याज 2 अदद हैं और ये 1 अदद बंद गोभी बारीक शेड की हुई। और लहसुन अदरक पेस्ट 2 टेबलस्पून है। इसके अलावा जो मसाले डालेंगे वो ज़्यादा यानी कलर मसालों का नहीं बनाना, इसलिए मैंने ब्लैक पेपर और वाइट पेपर ली है। और 1/2 टीस्पून सब हैं नमक, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर। इसी तरह कुछ सॉस भी मैंने लिए हैं। सॉस जो है उनमें कुछ इस तरीके से हैं, 2 टेबलस्पून चिली सॉस है, 2 टेबलस्पून विनीगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, ये 3 सॉस डालेंगे। सबसे पहले हम बॉयल करते हैं पास्ता को। पास्ता को बॉयल करने के लिए मैंने कुछ बर्तन रख दिए हैं और अब मैं बॉयल करके आपको दिखाती हूँ मुख्तलिफ कलर्स में। मैंने फेटुचिनो पास्ता को कलर कर लिया है और बॉयल कर लिया है, हर कलर का बॉयल हो गया है। और ये 6 कलर जो हैं जो कलर हैं और एक वाइट जो है वो बॉयल हो रहा है। और बाकी फिर आगे क्या प्रोसेस है आपको बताती हूँ। डाला है इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल है और इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डालकर फ्राई करेंगे। सबसे पहले लहसुन अदरक पेस्ट डालकर फ्राई करना है और लहसुन के अंदर चिकन को डालकर फ्राई करना है। चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, लहसुन के अंदर ताकि इसके अंदर फ्राइड होती है चिकन की वो भी मर जाए और अच्छे तरीके से फ्लेवर भी आ जाए लहसुन का। इसे फ्राई करते करते ही उसमें जो थोड़े से स्पाइस डाल रहे हैं वो भी डाल देते हैं, नमक, ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर, ये तीनों चीज़ें डाल दी। अब इसको फिर एक दफ़ा मिक्स करते हैं। अब इसमें सॉस डालते हैं। सबसे पहले विनेगर डलेगा, अब सोया सॉस डाल रही हूँ। और चिली सॉस भी डाल देते हैं इस तरह और ये अच्छी तरह सॉस अंदर अच्छा सा जायका आ जाए
क्योंकि स्पाइस भी डाल चुके हैं और सॉस भी डाल चुके हैं और चिकन का अच्छा सा जायका हो जाए फिर इसमें वेजिटेबल डालेंगे। वेजिटेबल में उसके हिसाब से पहले मैंने उसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब इसके अंदर गाजर शामिल करते हैं। गाजर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। बीस से तीस सेकंड तक फिर फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। इस फ्राई को भी बीस से तीस मिनट फ्राई करेंगे। बिल्कुल करेंगे और कुक भी होगा और साथ साथ मिक्स भी होगा। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया और अब इसमें ग्रीन ऑनियन डालते हैं और इसको भी मिक्स करते हैं। अच्छी तरह अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स करेंगे। टोटल ये सारी चीजें जो वेजिटेबल मैंने डाली हैं ये एक मिनट तक मैंने कुक की हैं। अब इसमें एक वेजिटेबल रहती है वो डालती हूँ बंद गोभी। सेड की हुई बंद गोभी को शामिल करके इसको भी कुक करेंगे एक से डेढ़ मिनट। फेटाचिनो पास्ता को मैं मुकम्मल तौर पर मिक्स नहीं करूंगी कि चिकन के अंदर इसकी लेयर्स लगाऊंगी उसके ऊपर डेकोरेशन की शक्ल में। तो इस तरह इसको रखते जाएंगे इस रूप का इन क्रॉस में। इस तरह इस रूप में मैं इस तरह रखती जाऊंगी और हर कलर भी आ जाएगा इसकी रेंज में और ये चिकन भी हर जगह पहुँच जाएगा। हमारा फेटाचिनो रेम्बो पास्ता तैयार हो चुका है और ये चिकन पास्ता हमने बनाया है और बहुत मज़ेदार बना है। आप भी इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएं, बहुत मज़ेदार बनता है। आप अपनी डेकोरेशन अपनी मर्जी से जैसा दिल चाहे कर सकती हैं और एज इट इज़ बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।